स्वागत है गाइज आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और भाई फाइनली आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। तो गाइज मैं आपके सामने आज जो सूट जो है उसे करने वाला हूँ फ्यूज़, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमें क्या मिलता है और क्या नहीं। सच बता रहा हूँ ना, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि इस पर ट्राई करेंगे, क्योंकि आज मैं क्या करने वाला हूँ, पहले एक अपने 5 स्टार सूट कर रखूँगा, उसके बाद 2 4 स्टार सूट कर रखूँगा, उसके बाद इसे करूँगा फ्यूज़, और वो तब जब हमारा 1K पॉइंट्स होगा। और मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहता था और देखो भाई मेरे को क्या मिला। लिटरली भाई ये बहुत ज़्यादा मेरे को इसकी ज़रूरत थी, मेरे को डिफेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बेसिकली बताऊँ तो गेम में ऐसा कोई भी टॉप लेवल प्लेयर नहीं है जो अटैक टाइप शूट फॉलो करता, मतलब अटैक टाइप हो, मैक्सिमम तो स्पेशल अटैक यूज़र ही होते हैं, पर अपने को चाहिए ज़्यादा डिफेंस, क्योंकि अपने पास जितनी पोकेमॉन्स हैं मैक्सिमम डिफेंस टाइप ही है। और डिफेंस जितना ज़्यादा होगा आपके पोकेमॉन्स उतना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पावर उतना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो डिफेंस टाइप है। और मेरे को ना सच बता रहा हूँ बहुत दिनों से इसकी ज़रूरत थी, मेरे को बहुत गंदी तरीके से ये चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग आजकल क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर लेते हैं और उनको रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफेंस चाहिए होता है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे डिफेंस टाइप पोकेमॉन्स है, पर उतना भी डिफेंस काफ़ी नहीं पड़ता है और मेरे कुछ पोकेमॉन्स पीछे रह जाते हैं डिफेंस के मामले में। फाइनली मेरे पास एक 5 स्टार डिफेंस का सूट आ चुका है और मेरे को पता नहीं कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनके सारे के सारे 5 स्टार सूट होंगे। मेरे को आज तक ऐसा पता नहीं कौन होगा, पर कुछ होंगे ज़रूर होंगे, कोई ना कोई ज़रूर होगा, कोई ना कोई क्या बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे शायद जिनके पास पूरा का पूरा 5 स्टार सूट हो। मेरा भी बहुत जल्द 5 स्टार कंप्लीट होने वाला है, टोटल सूट जो सेट है हमारा, बस एक कैप बचा है। और ये जो रिंग बचा है ये ना भी हो तो चलेगा, ये अगर 1 स्टार भी होता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दिखावटी पावर है और ये पावर मेरे को चाहिए नहीं, तो इसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं मेरे को। अब कैसे भी मेरे को कैप चाहिए भाई, लिटरली सच बता रहा हूँ ना, एक बार वो कैप अगर मिल जाए तो मेरे पोकेमॉन्स का जो पावर होगा वो आला दर्जे पे होगा। सबको पता है कि भाई कैप बहुत ज़्यादा पावर देता है कंपेयर टू सारी चीज़ें, अटैक और कैप और डिफेंस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। स्पीड अच्छा पावर देता है, स्पेशल डिफेंस भी उतना ही पावर देता है जितना आपको पोकेमॉन्स चाहिए होता है। पर अगर आप स्पेशली किसी टाइप के पोकेमॉन्स को अपने टीम में रखो, जैसे भाई ग्राउडॉन डिफेंस टाइप है, डीएल का भी डिफेंस वगैरह बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, और सबको पता है कि मोबाइल कितना ज़्यादा अच्छा डिफेंस होल्ड करता है। स्वॉर्मफर्ड गेन एक ओवरऑल टाइप है, पर उसको कहीं ना कहीं देखो तो डिफेंस थोड़ा ज़्यादा है, और बाकी सारे पोकेमॉन्स भी जो हमारे टीम में है, टेरानोटॉर हो या कोई भी हो, सबके ठीक ठाक डिफेंस होते हैं, और सलगैलो का भी बहुत ज़्यादा डिफेंस होता है। और भाई स्टीलिंग से ज़्यादा बेहतर डिफेंस किस पोकेमॉन का होता है मेरे को नहीं पता, उसके से ज़्यादा बेहतर डिफेंस किस पोकेमॉन का होता है। पर लिटरली मेरे पास इतने सारे डिफेंस टाइप पोकेमॉन थे ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, और मेरे को फाइनली मिल चुका है। मेरे पास सारे के सारे 5 स्टार हो चुके हैं, बस एक कैप चाहिए होगा। जैसे ही वो मिल जाएगा भाई साहब, मेरे डिफेंस जो है या फिर पूरा ओवरऑल पावर जो होगा पोकेमॉन का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं आपको अपने स्टीलिंग से दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो ना भाई कितना ज़्यादा पहुँचा है, और मैंने इसे अभी तक एवेकन 1 नहीं किया, और जिस दिन एवेकन 1 होगा तो मान लो 300 या फिर 400 और ज़्यादा डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस स्टीलिंग्स को एवेकन करने पर बहुत ज़्यादा डिफेंस मिलता है, लिटरली 100 पहला वाला दे देता है। मतलब अगर पहला 3 सेट्स होते हैं एवेकन के, R2 इवोल्यूशन के एवेकन अगर आप करो पोकेमॉन्स, तो वहाँ पर 3 सेट्स आते हैं, 3 डॉट्स आते हैं, एक होता है पहला, फिर आता है बाद वाला सेकेंड वाला, उसके आता है एंड वाला थर्ड वाला, जहाँ पर कॉइन चाहिए होता है आपको। पहला वाला देता है 100, दूसरा वाला 110 के आसपास, तीसरा वाला जो होता है वो कम से कम 300 या फिर 400 देता ही है, कम से कम 300 या फिर 200 ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, उससे कम नहीं देगा, पर इतना मिनिमम होता है। और मैं सच बता रहा हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार आता है स्टीलिंग्स पे उसका डिफेंस देख के, और लिटरली ट्रस्ट मी गाइज मैंने बहुत सारे ऐसे VIPs से पंगा लिया है जो अटैक +4 होने के बावजूद एक लैंड ऑफ ऑरिजिन से नहीं मार पाते स्टीलिंग्स को, और उसका एबिलिटी नहीं होल्ड करता है, फिर भी 100 HP से रुक जाता है स्टीलिंग्स। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जैसे तैसे स्टीलिंग्स को R7 बना लिया जाए तो भाई उसको तो मारना पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर आप कोई अटैक टाइप यूज़र आप अटैक करें, कोई नहीं मार पाएगा भाई, उसको 7 स्टार कर दिया और R7 कर दिया तो डिफेंस का बाप है वो पोकेमॉन। अगर आपके पास एक 5 स्टार डिफेंस सूट हो तो भाई साहब उसको रख दो बाजू और उसको उतार दो, बस रॉयल बैटल में उतार दो, और जितने भी दुश्मन आपके इस तरफ से अटैक करें, सामने वाला अटैक करे, लेफ्ट वाला अटैक, कोई भी अटैक करे, आपको बस वहाँ पर खड़ा रहना है और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिफेंस हो जाएगा उसका। अभी मैं आपको अपने फैटर्स दिखा रहा हूँ गाइस, हमने डिफेंस के फैटर्स बहुत दिनों पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। मेरा जो फैटर्स का सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहले अटैक पर जाता हूँ मैं, उसके बाद डिफेंस पर जाता हूँ मैं, उसके बाद HP पर जाता हूँ, उसके बाद स्पीड,
उसके बाद हम स्पेशल डिफेंस, उसके बाद हम जाते हैं स्पेशल अटैक। और स्पेशल अटैक मैं करता ही नहीं, सच बता रहा हूँ। मेरा आज तक जो थर्ड स्टेज ऑफ पैटर्न होता है स्पेशल अटैक है, वो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया और मैं करने भी नहीं वाला उसको। वो दिखावटी पावर की मेरे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप भी एक स्पेशल अटैक यूज़र हो तो आप भी अटैक फाइटर साइज नहीं करते होगे, और ये करना भी नहीं चाहिए, बेकार मेरे को टाइम वेस्ट होगा। उससे ज़्यादा आप उससे वही कॉइन्स अपने टीम में एडजस्ट कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा कंपेयर टू अगर आप बेकार फाइटर्स बनाओ, दिखावटी पावर का बनाओ और कोई काम नहीं आता उसका। अगर मेरी टीम में कोई ऐसा पोकेमॉन होता जिसका जी मूव स्पेशल अटैक टाइप होता तो मैं ज़रूर करता हूँ। वैसे भी कि गेंगार का करता है, पर गेंगार का मेरे को क्यों चाहिए? बस पॉइजन के लिए, और वो अगर मेरे पास है तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास सिर्फ दो ऐसे सूट चाहिए जो 5-स्टार होने के चाहिए, जैसे एक कैप चाहिए और एक रिंग चाहिए। अगर रिंग मेरे को नहीं मिलता तो कोई जरूरत नहीं, बस कैप मेरे कहीं से भी अगर मिल जाए ना भाई, सच बता रहा हूँ, स्वॉम्पवर्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, मोबाइल भी ताकतवर बन जाएगा। पर अभी जो बूस्ट मिला है मैं आपको बताता हूँ। अस्टीलिक्स में तो आपने देखा होगा, पर वो बाद में देखा, पहले मेरे को दिखा देना चाहिए था, तब आपको डिफरेंस पता चलता। पर बताता हूँ, मिनिमम सारे पोकेमॉन्स का 500 डिफेंस इंक्रीज़ हो गया, और मैं सच बताता हूँ बहुत बड़ा डिफरेंस था ये, पता नहीं कैसे बहुत बड़ा डिफरेंस था। कुछ पोकेमॉन्स ऐसे थे जो 13.5 या फिर 6 या फिर 14 के उनके मतलब डिफेंस था, वो एकदम से बढ़ के 14.6 हो गई। और मोबाइल की तो बात ही मत करो, स्टीलिंग्स की बात मत करो, इनकी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ग्राउडन की भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कुछ पोकेमॉन्स की बहुत कम बढ़ी है, जैसे कि कुछ मेगा पोकेमॉन्स थे जैसे सलगैली को ज़्यादा अभी नहीं बढ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ मेगा में अभी तो उसकी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। बस जैगार्ड का अच्छा खासा बढ़ गया क्योंकि उसका 12K पहुंच गया और सिर्फ 5-स्टार हुआ है। अभी 33 आई वैल्यू तक अनलॉक नहीं किया हमने, ना ही 6-स्टार किया। अभी उसके बहुत सारी चीज़ें बाकी, हमने एफर्ट्स भी उसमें नहीं डाले, कुछ नहीं डाला, वो 12K पहुंच गया। और मेरे ख्याल से स्टीलिंग्स और उसके साथ स्नोरलैक्स और सलगैली और जैगार्ड, ये मेरे सबसे कमज़ोर पोकेमॉन में से एक है अभी के लिए, पर आगे चल के ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जिस दिन अपडेट आएगा स्नोरलैक्स भी 33 आई वैल्यू क्रॉस कर जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे। मैं भी सच बता रहा हूँ ना, इतना बड़ा बूस्ट मिला भाई सिंपल एक 5-स्टार सूट की वजह से, और वो भी डिफेंस वाले के, बहुत बड़ा बूस्ट था। अब बस मैं एक वेट कर रहा हूँ कि कब मेरे को वो कैप मिल जाएगा। अगर कैप मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहूँगा। अभी मैं क्या करता हूँ ना गाइस, अभी मैं आपको नेट कैरेक्टर लेके दिखाता हूँ। अच्छा, नेट कैरेक्टर में जिनको नहीं पता मैं बता दो, नेट कैरेक्टर आपको स्टील और ग्रास टाइप पोकेमॉन उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, 5% होता है गाइस वो डिफेंस, मतलब जो इंक्रीज किया जाता है डिफेंस, और ग्रास एंड स्टील टाइप का होता है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सच में वर्थ होता है, जो नेट कैरेक्टर होता है हार्ड सूट यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। पर मैं रेकमेंड तब करता हूँ जब मैं स्टील टीम के साथ होता हूँ, वो मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा डिफेंस बूस्ट देता है। पर एचपी आपकी जो 3% आपको नॉर्मल कैरेक्टर के साथ मिलती है वो वहाँ से कट जाती है, तो ये काइंड ऑफ जुआ जैसा होता है कि अगर आप उतरोगे और आपकी टीम में सारे स्टील टाइप पोकेमॉन्स हैं तो ठीक है, क्योंकि स्टील टाइप पोकेमॉन्स की एचपी कम भी होती चलेगी क्योंकि उनके पास गॉड लेवल डिफेंस होता है। पर अगर आपके पास अच्छी एचपी चाहिए और आपको आपके टीम में ज़्यादा स्टील टाइप पोकेमॉन्स नहीं, तो नॉर्मल जो कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और टॉप वीआईपीज़ भी यही रेकमेंड करते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है उनके लिए, कौन से एक दो पोकेमॉन्स के लिए, पर उस एक दो पोकेमॉन के लिए बाकी सारे पोकेमॉन्स की जो एचपी वो डाउन नहीं करते। और बड़े से बड़ा वीआईपी 15 भी होता है जो नॉर्मल कैरेक्टर्स के साथ खेलता है, जो सन है या फिर फीमेल वाला जो है मून है। तो आपको इनमें से जो भी ज़्यादा अच्छा लगता है आप वही इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर आपकी टीम में 4 स्टील टाइप पोकेमॉन्स हो या फिर 5 स्टील टाइप पोकेमॉन्स, आप जा सकते हो नेट के साथ। अगर आपके बहुत सारे फायर वाले कैरेक्टर हो तो आप वो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ जा सकते हो। अगर घोस्ट टाइप के पोकेमॉन्स बहुत सारे हो तो आप वो समंथा या फिर जो भी उसका नाम है उसके साथ भी जा सकते हो। तो बहुत मतलब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। अगर आपकी टीम में बहुत सारे साइकिक टाइप पोकेमॉन्स है तो आप वो बेस वाले मिलने वाला जो कैरेक्टर होता है वो भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इतना बुरा नहीं होता, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं यहाँ पर इंतज़ार करता, एक्चुअली मैंने यहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा भी हुआ एक्चुअली इस सारी चीज़ों के दौरान। मैं उदास था क्योंकि मेरे को एक आखिरी स्काईडाइवर नहीं मिला, मेरे पास सिर्फ 10 इवेंट आइटम्स है और मैंने सोचा था कि 5 में कलेक्ट कर लूँगा, पर सिर्फ मैं 4 ही कलेक्ट कर पाया अपने वीआईपी वाले में। और वीआईपी 0 में तो मैंने सिर्फ 2 ही कलेक्ट कर पाया, मेरे को वहाँ पर सिर्फ 2 और इवेंट आइटम्स चाहिए थे जो मेरे को कहीं से नहीं मिले। और इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा उदास भी हूँ क्योंकि सिर्फ 2 इवेंट आइटम से मैं रुक गया और मेरे पास एनर्जी केक्स बचे नहीं है और मेरे पास चांसेस भी नहीं बचे खाने के लिए, और बुरा लगा मेरे को। ऑब्वियसली मेरे को चाहिए 2 इवेंट आइटम से चुका हूँ, तो उसके बाद से मेरे को 2 चाहिए होंगे, 2 स्काईडाइवर चाहिए होंगे मतलब मेगा बनाने के लिए। और स्काईडाइवर मेगा में भी चल जाता है एटलीस्ट, अगर आपको ऑफशूट मतलब ऑफशूट से ज़्यादा बेहतर वही होगा, अगर मेगा बना के भी छोड़ दे तो काफ़ी रहेगा। एटलीस्ट सूट टाइप से तो थोड़ा बेहतर ही रहेगा क्योंकि सूट टाइप को सबको पता ही है, क्योंकि ऑफशूट होगा तो ऐसे ही तो मैं एचपी यूज़र हूँ वी आई पी 0 में, तो वहाँ पर कोई फ़ायदा होगा नहीं। पर अगर सूट टाइप एटलीस्ट होगा तो बहुत तेज़ पोकेमॉन है तो कहीं ना कहीं वो मेकअप भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा पावर होल्ड आइटम जो होता है वो थोड़ा मेकअप कर देगा फिर भी।
पर ऑफशूट डायग्राम पता नहीं। हाँ ऑफशूट को मैं एवकिन कर सकता हूँ क्योंकि वो इवेंट वगैरह में आएगा, सस्ते मिल जाता है। तो स्काई डायग्राम सस्ता नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है। और कंपेयर टू सिंपल डायग्राम वो बहुत गुना महंगा है। मतलब स्काई डायग्राम को आप एक आर टू बनाओगे उतने में आप आर फोर या फिर आर थ्री बना सकते हो नॉर्मल डायग्राम को, एक ही रेट पड़ता है। जिनको नहीं पता, अगर एमपी में बाइक करने जाए तो स्काई डायग्राम नहीं मिलता है, और एमपी की रेट आपको पता ही है भाई, $50 पड़ते हैं, वो भी इसे 12 पोकेमॉन्स के। कौन जाएगा भाई 12 पोकेमॉन्स के $50 देने का, बेवकूफ़ी होगा। उससे ज़्यादा सस्ता पड़ता है एमपी में, आप $5 में ले सकते हो उसका, मतलब सिंपल डार्क या फिर एसआर पोकेमॉन, वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। और फिर भी मैं कहूँगा कि इवेंट से लेने लायक पोकेमॉन होता है स्काई डार्क। तो गाइस आपको अच्छी लगी वीडियो और मेरे को फाइनली सूट मिल चुका, मेरी इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और मिलते हैं।